हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी वर डूइंग चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, अब तो हम बिल्कुल एंड पर ही पहुंच गए हैं. एक्सरसाइज 8.2 के हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस कर लिए थे. एंड जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं बच्चों, पहले वो देखो एंड देन कम टू दिस वीडियो. कोई फ़ायदा नहीं है बीच में से स्किप करके देखने का, स्टार्टिंग से देखा करो जो भी चैप्टर देखना होता है. ओके, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. कीप राइटिंग इन कमेंट सेक्शन. आपके कमेंट्स सुनकर, आपके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है. ठीक है, सो वी हैव कम्प्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ओके, चलो हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में अपना चैप्टर कम्प्लीट कर लें. ठीक है, सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, E and F are the midpoints of the sides AB. देखो, E किसका midpoint है? AB का है. ठीक है, F किसका midpoint है? CD का है. ये F किसका midpoint है? CD का है. Okay, show that the line segments AF and EC, यानी ये वाली line segment AF और ये वाली line segment EC जो है वो ट्राइसेक्ट कर रही है. अब ये जो ट्राइसेक्ट वर्ड है ये हमने कभी नहीं सुना. ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स. हमने बाइसेक्ट वर्ड तो सुन रखा है. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ट्राइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. तो हमें वो बोल रहे हैं कि ए एफ और सी ई जो है, जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं, वो बी डी डायगनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट का मतलब इन थ्री इक्वल पार्ट्स. दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू. ट्राइसेक्ट का मतलब यही है. तो मैं गिवन में क्या लिखूंगी? गिवन में लिखूंगी कि ई और एफ तो मिड पॉइंट हैं. दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ई बी एंड डी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी. ए ई इज इक्वल टू ई बी एंड डी एफ इज इक्वल टू एफ सी. ठीक है, उसके बाद हम टू प्रूव में क्या लिखेंगे? टू प्रूव में लिखेंगे कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू. डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू. ओके, अच्छा अब एक बात बताओ, हमें एक चीज़ दे रखी है कि ये जो बाहर वाला फिगर है, ये पूरा का पूरा ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है. अब अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है. ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो आई कैन ऑल्सो राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी. राइट, अब अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये जो ए ई है, जो कि पार्ट ऑफ ए बी है, इट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू एफ सी, जो कि एफ सी जो सी डी का पार्ट है. भाई देखो, ये पूरी की पूरी लाइन जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है. और अगर मैं छोटी सा कोई पार्ट ले लूँ ए बी का विच इज़ ए ई और सी डी का कोई पार्ट ले लूँ विच इज़ सी एफ, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होगी ना. ठीक है, तो आई कैन राइट ए ई इज पैरेलल टू एफ सी. राइट, अब ए बी सी डी के इक्वल भी थी तो मैं लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. अगर ए बी का हाफ लेती हूँ तो मैं ए ई भी ले सकती हूँ और बी ई भी ले सकती हूँ. क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का, बट मैं ए ई लूँगी. क्यों लूँगी वो अभी बताती हूँ. और सी डी का जो हाफ है वो मैं डी एफ भी ले सकती हूँ, एफ सी भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं एफ सी लूँगी. तो मैंने ये एफ सी ले लिया. ओके, ये मैंने इक्वेशन वन मान ली, ये मैंने इक्वेशन टू मान ली. और फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आई कैन राइट, देखो ए ई जो है वो एफ सी के पैरेलल भी है और जो ए ई है वो एफ सी के इक्वल भी है. तो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. इतना समझ आया? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव क्यों कर रही हूँ, है ना? देखते हैं अभी. चलो अब देखते हैं, जब ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, अब तुम एक बार से जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था वो मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ. ये रहा मेरा एक ट्रायंगल ए बी सी. इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये मिड पॉइंट गिवन है और ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है, तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इट ऑल्सो बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ ए सी.
this is the converse of midpoint theorem. Here I cannot apply midpoint theorem. I will have to apply the converse of midpoint theorem. क्यों? क्योंकि अगर मैं consider करूँ triangle APB, इतना triangle, बाकी सबको छुपा दो, मैं triangle APB consider कर रही हूँ. APB triangle में E क्या है? Midpoint है. EQ जो है वो parallel to AP है. अब वो EQ parallel to AP क्यों है? ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि AECF एक parallelogram है, तो EC और AF parallel हुए या नहीं? EC और AF parallel हुए, opposite sides of the parallelogram. और अगर EC parallel to AF है तो EQ भी parallel to AP है और QC भी parallel to PF है, right? है. अब देखो क्या, अगर मैं ट्रायंगल ए पी बी कंसिडर करूं, यानी ये वाला ट्रायंगल, देखो मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ, ए पी और ये रहा मेरा बी, तो ये ऐसे हो गया. ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ई है वो मिड पॉइंट है. ई क्या है? मिड पॉइंट है. किसका? ए बी का. और वो क्यों है? क्योंकि गिवन है, राइट. जब ई मिड पॉइंट है एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, अब वो ई क्यू पैरेलल टू ए पी क्यों है? क्यों है? क्योंकि ई सी इज पैरेलल टू ए एफ है, क्योंकि मैंने तो पैरेललोग्राम शो कर दिया है, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा था. आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने पैरेललोग्राम शो ही क्यों किया, इसीलिए शो किया ताकि ई सी पैरेलल टू ए एफ हो जाए और फिर मैं लिख दूँ कि ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, जो कि मैंने ये लिख दिया. ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी क्यों है? क्योंकि पूरी पूरी लाइन पैरेलल है और ई क्यू जो है वो इसका पार्ट है, ए पी जो है वो इसका पार्ट है. ठीक है. अच्छा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मैंने क्या बताया? दो कंडीशंस होनी चाहिए. क्या? एक मिड पॉइंट और लाइंस पैरेलल, एक मिड पॉइंट और लाइंस पैरेलल. ठीक है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी एम पी टी, E also becomes the midpoint of PB. भाई तुम MPT कहाँ लगा रहे हो? कौन से ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हो? वो सबसे पहले मैंने लिखा है APB में. ठीक है, जब E midpoint AB का है, EQ parallel to AP है, तो Q midpoint किसका होएगा? PB का ही होएगा ना, DB का थोड़ी ना होगा. हमारा ट्रायंगल कौन सा है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं? APB. बच्चे क्या करते हैं? Q is the midpoint of DB. अरे भाई क्यों? हमारा ट्रायंगल कौन सा है? APB ही तो है. ठीक है ना, तो बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी, क्यू इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ पी बी. इतना समझ आया? ठीक है, तो अभी तक हमने किया क्या है? हमने पैरेललोग्राम शो किया था ए ई सी एफ को, सो दैट हम ई सी और ए एफ को पैरेलल ले लें और फिर हम इनके सेगमेंट्स को, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को हम पैरेलल यूज कर सकें. तो हमने ए पी बी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, जिससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यानी मैंने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. दिस इज माई इक्वेशन थर्ड, करेक्ट. इन ट्रायंगल डी सी क्यू, देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सी डी और ये मेरा बन गया क्यू. ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक F है जो कि मिड पॉइंट है सी डी का और जो कि गिवन है. ठीक है, और यहाँ से एक लाइन है ये P, यही है ट्रायंगल हमारा. ठीक है, अब मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल डी सी क्यू, जो F है वो मिड पॉइंट है डी सी का. ठीक है, अगर F मिड पॉइंट है डी सी का, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एफ पी क्यू सी के पैरेलल है. अब एफ पी क्यू सी के पैरेलल इसलिए है क्योंकि मैंने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम शो कर दिया है और ए एफ इज पैरेलल टू सी ई है. ए एफ इज पैरेलल टू सी ई है. जब ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कि इन डी सी क्यू, डी सी क्यू एफ मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स of MPT, P is also the midpoint of DQ.
पी भी मिड पॉइंट बन गया डी क्यू का, और जब पी मिड पॉइंट बन गया डी क्यू का तो देयर फोर डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट? दिस इज माई इक्वेशन नंबर फोर्थ. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर्थ वॉट विल आई गेट एंड फोर्थ वॉट विल आई गेट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू पी डी. क्यों? क्योंकि देखो पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, तो जब डी पी जो है वो भी पी क्यू के इक्वल है, जो बी क्यू है वो भी डी पी के पी क्यू के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए. और हमें प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ए एफ है और जो सी ई है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है बी डी को. ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब कि डी पी पी क्यू और क्यू बी मेरे तीनों आपस में इक्वल है, और वही मैंने प्रूफ कर दिया. सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बोला कि क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी सी डी के इक्वल है, राइट? जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए ई और एफ सी भी पैरेलल होंगे. ए बी सी डी के इक्वल है तो ए बी और सी डी का जो हाफ है यानी ए ई और एफ सी वो इक्वल भी होगा. ए ई और एफ सी को मैंने पैरेलल भी प्रूफ कर दिया और ए ई और एफ सी को मैंने इक्वल भी प्रूफ कर दिया. सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. मैंने इसको पैरेललोग्राम शो इसलिए किया ताकि मेरी सी ई लाइन और एफ ए लाइन सेगमेंट हमारी क्या हो जाए, इक्वल, वो पैरेलल हो जाए. पैरेलल क्यों हो जाए? क्योंकि मुझे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए ट्रायंगल ए पी बी में ई क्यू और ए पी पैरेलल चाहिए थी, इसलिए. ठीक है, मैंने बोला इन ट्रायंगल ए पी बी ई मिड पॉइंट गिवन है, ई क्यू पैरेलल टू ए पी है. जब एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन हो तो हम कन्वर्स लगाते हैं, तो देयर फोर क्यू ऑल्सो बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ पी बी. उसके बाद मैंने फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया ट्रायंगल डी सी क्यू में, यानी इस वाले में, और मैंने बोला एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी गिवन, एफ पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू, क्योंकि मैं ये एक पैरेललोग्राम शो कर चुकी हूँ तो इसलिए एफ पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू. सो पी ऑल्सो बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू. ठीक है, पी मिड पॉइंट है डी क्यू का तो डी पी पी क्यू के इक्वल हो गया. Q मिड पॉइंट है BP का तो BQ PQ के इक्वल हो गया. जब DP भी PQ के इक्वल है, BQ भी PQ के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए. तो दैट मीन्स हमारी ट्राइसेक्ट वाली चीज़ जो हमें प्रूव करनी थी वो कंप्लीट हो गई. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ओके, सो गाइस टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच वाज मतलब नॉट लेंदी मैं बोलूँ, एक थोड़ा सा समझाने का थोड़ा पोर्शन इसमें ज़्यादा था तो टाइम लग गया. सो एक क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन्थ विच आर लेफ्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड एक्चुअली हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच.